हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम लौकी की चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए ये हमने एक लौकी लिया है, टमाटर और ये नींबू लिया है, 5-6 कली हमने लहसुन को छील कर ले लिया है, आधा इंच का टुकड़ा अदरक, 2 बड़े चम्मच मूंगफली, 8 से 10 काली मिर्च है ये, 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच उड़द की दाल है ये, 7-8 पत्ते करी पत्ता लिए हमने, फ्रेश अगर आपके पास हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच राई लिया है हमने, नमक स्वाद के अनुसार हम यूज करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 चम्मच ये कलौंजी या नाइगेला सीड लिया है तड़का लगाने के लिए, ये थोड़े से 1/4 चम्मच जीरा है, 1 चुटकी हींग है, 3-4 पत्ते करी पत्ता के लिए है और 1 लाल मिर्च, इन सबको हम तड़का लगाने में यूज करेंगे। हमने आधे लौकी को काट कर इस तरह से ले लिया है, इसका हमने छिलका नहीं हटाया है। अगर आपको छिलका ना पसंद हो तो आप छिलका हटाकर उसके बाद लौकी को इस तरह से काट लें। और चटनी बनाने के लिए हम आधी लौकी का यूज कर रहे हैं, आधा लौकी हम सब्जी बनाने में या फिर दाल बनाने में यूज करेंगे। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। चटनी बनाने के लिए ये हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, लगभग ये 1 चम्मच के करीब हमने तेल डाला है। तेल अब गर्म हो गया है तो इसमें हम जीरा डाल देंगे और आधा नाइगेला सीड डालेंगे, बाकी का हम तड़का लगाने के लिए यूज करेंगे। हींग पाउडर डाल देंगे, साथ में हम उड़द दाल डालेंगे, करी पत्ता, अदरक लहसुन, मूंगफली और काली मिर्च भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से भूनेंगे, मिर्च को भी तोड़कर डाल देंगे इसमें। तीखा आप अपने स्वाद के हिसाब से, अगर आपको और पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, या कम तीखा पसंद हो तो इसमें मिर्ची की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। सारी चीजें अच्छे से भुन गई हैं, मूंगफली भी अच्छे से भुन गया है और गार्लिक भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें हम टमाटर को इस तरह से काट कर डाल देंगे और थोड़ी देर तक टमाटर को पका लेंगे। टमाटर भी अब अच्छा सॉफ्ट होने लगा है तो इसको हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से हमने सारी चीजों को निकाल लिया है, कढ़ाई में भी थोड़ा सा तेल बचा हुआ है तो हमें इसमें तेल डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम इसमें ये कटे हुए लौकी को डालेंगे और साथ में नमक डालेंगे, लगभग ये 1/2 चम्मच हमने नमक डाला इसमें। और अब इस लौकी को थोड़ी देर तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। आंच को हम मीडियम पे ही रखेंगे। आप चाहें तो इसे ढक भी सकते हैं, ढक कर आंच को आप लो मीडियम रखें और लो मीडियम पे अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लें। लगभग 10 मिनट हो गए हैं लौकी को हमको मीडियम आंच पे पकाते हुए, लौकी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इस तरह से इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल के हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। चटनी के लिए सारे मसाले जो हमने बनाए हैं वो सब ठंडा हो चुका है तो इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। लौकी को भी इसमें हम डाल देंगे, नींबू का जूस भी इसमें डाल देंगे हम। साथ में हम थोड़ा सा और नमक डालेंगे। अब इन सबको हम पीस लेंगे। चटनी को हमने इस तरह से पीस लिया है, लगभग 2 चम्मच के करीब हमने गर्म पानी डालकर इस तरह से कढ़ाई को धो लिया है जिसमें कि लौकी लगा था, इसको भी इसमें डाल देंगे। एक बार फिर से मिक्सी को चला लेंगे। इस तरह से हमने चटनी को पीस कर तैयार कर लिया है। आप इसमें जब भी पानी डालें थोड़ा सा पानी पहले से गर्म कर लें, उसके बाद ही उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद यूज करें। चटनी को हमने इस तरह से बर्तन में निकाल लिया है, इसमें अब हम तड़का लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। चटनी की टेम्परिंग के लिए ये हमने एक तड़का पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम करी पत्ता डालेंगे, लाल मिर्चों को तोड़कर डाल देंगे, अनियन सीड डालेंगे, अब हम इसमें सरसों के दाने भी डाल देंगे।
तड़का हमारा बनके तैयार है। तड़के को हम इस तरह से लगा लेंगे। लौकी की चटनी बनके तैयार है। इस चटनी को आप रोटी, राइस या फिर इडली और डोसे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको बना के जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है रेसिपी। तो आप बनाइए, खाइए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।